Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। मेरी चुनावी यात्रा इस समय सिरोही के अंदर है। सिरोही से करीबन 15 किलोमीटर दूर है जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, किसान परिवार से आते हैं। हमने सोचा कि हमने सुना भी था कि उनका जो परिवार है, उनकी जो वाइफ है या बाकी परिवार के लोग हैं, वो आज भी खेती करते हैं उनके घर पर, जिस तरीके से पुराने स्टाइल के अंदर तमाम चीज़ें होती है, भैंस है वगैरह है, इन तमाम चीज़ों के लिए हम ये गांव है, वहां पर लुमाराम जी का गांव है। इस गांव का नाम क्या है भैया? वाडेली, वाडेली, वाडेली गांव का नाम है। और यहाँ पर लुमाराम जी खुद और उनका जो उनके जो बेटे हैं या बाकी जो लोग हैं, वो इस समय सांचौर के अंदर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उनके भाई मिले हमें। भाई के साथ में जो उनकी पत्नी, जो लुमाराम जी की पत्नी है, वो भैंस को जो हरी भरी घास है वो चला रही थी, और बाकी जो महिलाएं थी उनके जो परिवार, दरअसल ये जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं, तो हमने सोचा कि हम भी देख लेते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आम तौर पर आप सोचिए जिसे सांसद का टिकट मिला हो वो उनका परिवार तमाम चीज, लेकिन ये शायद बीजेपी है जहाँ पर इस तरीके के कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर हम जानने की कोशिश भी करेंगे, आपको बताएंगे भी सही कि किस तरीके से लुमाराम जी का जो परिवार है वो रहता है, इन तमाम तरीके से कि किसान के बेटे को मोदी जी ने चुना है, उनकी पत्नी है वो क्या चुनावी कैंपेन करती है या नहीं करती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जानने की हमारी उत्सुकता है। तो हम पहुँच गए हैं जो लुमाराम जी का जो ये इसको बोलते हैं बेरा, बेरा है, और यहाँ पर जो खेतीबाड़ी भी होती है तमाम तरीके से। तो ये उनकी वाइफ है जो कि इस समय ये आप देखिए, ये उनकी पत्नी है जो कि कामकाज कर रही है अपने खेत के अंदर। इससे पहले भैंस को हरी घरी घास दिलाती थी। अच्छा अच्छा माता जी, कोई नाम है आप लोग? माँ तीजा देवी। तीजा देवी, अच्छा। क्या क्या आपको कब पता, मतलब कद जान पड़ी हो कि टिकट मिल गई हो, इतना मोटो टिकट मिल गयो, कहीं लागो तो कद समाचार आया था? कदी का टिकट आयो, टिकट आया, टिकट मिलियो ना भाई, हमेशा आयो जे भाई, मोने खुश हुई। हां अरे भाई, क्षत्रिय क्षत्रिय भाई से ना माए भला मोदी जी रा, मोदी जी भाई दो दी दो बस भला बता, माता जी रा महादेव जी जो को भेजो ना भाई सिनोरा हारा ही क्षत्रिय जातो रा। अच्छा वही भेरा। अच्छा क्या आप लोग ये जो आप क्या कामकाज कर रहे हो, क्या है इसको क्या बोलते हैं, कहीं काम करो? घास वायरो। घास, हाँ। अच्छा तो आप, अच्छा एक मिनट माता जी, हाँ? आप ये बताओ आप चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं? हाँ। तो अभी क्या, अभी किस तरीके से क्या दिख, वही काम कर, घर का काम भी करना पड़ता है? नहीं करना पड़े। अच्छा घर में और कौन कौन है घर के अंदर? हाँ। सुबह कितने बजे उठते हैं? माता जी एक मिनट इधर मेरी बात सुनिए। अच्छा और लुमाराम जी राजनीति के अंदर कब से, राजनीति में कदम हुए लुमाराम जी? मैं कदम है पॉलिटिक्स राजनीति के अंदर नेता गरीब कदम हुए, कितना साल हो गया? बुगस वही के मैं इतना तो ध्यान दिया अपन तरी पैतरी बरादी बुगस वही के भी। अच्छा ती पैतरी बरादी, हां पण बो मैं ध्यान दिया अपन अतु मो के। हां अच्छा कहीं करे राजनीति में, कहीं वे की वे कदे जावे, पहले जाता चुनाव लड़ा प्रचार करता कहीं हो तो तो घर में कई काम का खेती बाड़ी है चले? एड़ा ही गो हुई। अच्छा कितने आपके, मतलब कितना बेटा है बेटी है, कहीं है? दो बेटा ही। दो बेटा है। अच्छा तो एक बात बताओ कि आप चुनाव प्रचार करने, मतलब आप कतरे जाओ आसपास कई जगह जाओ चुनाव प्रचार करने वास्ते? एटा होंगरो होंगरो गोम हमने पसा पासो धरावर कहीं क्या वो कहीं होना क्या भाई क्या क्या कई क्या होगा भाई, मोदी जी जीतना ही जो का भाई वोट दे देनु है। अच्छा मोटी जिम्मेदारी दे दी मोदी जी? हां वो जिम्मेदारी मोदी जी री है। अच्छा भला पड़ता मोदी जी रा भाई। अच्छा वणा पूछेस भाई हन। अच्छा क्या आज कतरो भलो की दियो है? हां
कहीं सुनियो मोदी जी के बारे में, कहीं सुनियो आप, कहीं सुनियो ना मोदी जी के बारे में, कहीं सुनियो मतलब कहीं पता है आपने मोदी जी कौन है, प्रधानमंत्री जी है, कहीं समाचार है? वो मैं तो अतरो तो मने ध्यान है नहीं, पर वो की है जे के भाई अतरो में आपे बणियो ना नहीं हां जो को अतरो नहीं है। अच्छा हाँ। आप पढ़े लिखे नहीं हो? हां पढ़े नहीं है, पहला नहीं बणियो। अच्छा लूमा राम जी पढ़े लिखे है? हां हां खतरा है, खतरा है मैं हम जन में ओपन कहां के भाई अकड़ा खतरा बणियो रे मैं वो ओपन किया ध्यान है तो हमार कद सुबह खतरा जी निकले घर आऊं शाम रे आवे रात रे या बाद ही देवे हमार चुनाव प्रचार में प्रसाद बीजा करे ने बस होजरा घरे ही आवे। अच्छा हाँ। घरे आवे। अच्छा तो आप लोगों की मतलब दिनचर्या क्या रहती है, मतलब कितने बजे सुबह उठते हो, खेत का काम करते हो, क्या क्या कुछ होता है? मैं काम तो करता रही ने। अच्छा, और कौन है आपके साथ में, ये कौन है? माँ भातरीजा। अच्छा अच्छा क्या नाम है आपका? राधा देवी। राधा देवी। अच्छा क्या ये जो माता जी है, अच्छा लुमाराम जी को टिकट मिल गया है, कैसे वो राजनीति के अंदर पहले भी थे, क्या था आपको कुछ आइडिया है, कुछ पता है? नहीं पता नहीं मेरे। अच्छा, तो अभी आप लोग चुनाव प्रचार करने जाते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं? ध्यान रख दियो वोट भी जाए से। अच्छा मोदी जी के बारे में सुना आपने? सुना नहीं। क्या अच्छा आपने नहीं सुना है? अच्छा तो अभी परिवार के लोग इसी तरीके से कामकाज करते हैं क्या? अच्छा सब ऐसे ही कामकाज करते हैं। अच्छा अच्छा आप लोग बच्चे यही क्यों? अरे इधर आओ इधर आओ। अरे 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 कोई अरे आत्रा तो आओ यार। आओ 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 आओ। अच्छा कई नाम है आप लोग बताओ? राजू। राजू कई कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नाइन्थ में। नाइन्थ में पढ़ते हो। अच्छा लूमा राम जी को टिकट मिला आपको पता है? क्या पता है बताओ, ये पहले तो ये बताओ क्या पता है, चुनाव के टिकट मिला है? हाँ मिला है। किससे मिला, कौन सी पार्टी से मिला है? बीजेपी से। अच्छा क्या सुना आपने मोदी जी के बारे में? मोदी जी बहुत अच्छा काम करवाते हैं और देश का विकास करते हैं। देश का विकास करते हैं। लूमा राम जी कैसे व्यक्ति है, किस तरीके से वो राजनीति के अंदर पहले से थे, टिकट दिया, बड़ी जिम्मेदारी दे दी, उनका परिवार कैसे, क्या कुछ है, कुछ क्या सुना लूमा राम जी कैसे व्यक्ति है? वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, वो सभी के साथ घुल मिलकर रहते हैं और अपना राजनीति का काम भी करते हैं। राजनीति का काम भी करते हैं और घुल मिलकर रहते हैं, तो उनका परिवार इसी तरीके से रहता है। क्या काम कर, इसको क्या बोलते हैं? ये खेती करते हैं अभी। अच्छा ये घास। अच्छा चारा पैसों के लिए। अच्छा गांव में कैसा माहौल है इस बार जब टिकट मिल गया, गांव के लूमा राम जी को बड़ा टिकट मिला है? खुशी का माहौल है बहुत। अच्छा क्या लग रहा है जीतेंगे चुनाव? अभी लोगों की भीड़ देखकर तो लग ही रहा है जीतेंगे। अच्छा जीतेंगे। अच्छा लग। अच्छा इधर इधर। अरे अरे इधर तो। अरे 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 नहीं, क्या नाम है, नाम क्या बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। स्कूल में पढ़ाई करती हो बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सेवंथ। कैसी होती स्कूल में पढ़ाई? अच्छी। अच्छी है। आपका क्या सपना क्या है ये बताओ आप? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने का, अरे वाह वाह अच्छी बात है। डॉक्टर तो पढ़ाई में आप पूरे मन लगा के करती हो? अच्छा सरकारी स्कूल है, कौन सा प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट स्कूल है। अच्छा लूमा राम जी को टिकट मिला आपको पता है? क्या पता है आप बताओ, ये बताओ क्या मतलब। अरे मेरी बात सुनो, क्या बेटा क्या मिला टिकट, चुनावी टिकट मिला आपको पता है? कब पता चला आपको? जब मैं झंडा थी तब पता चला था। अच्छा क्या लग रहा है लूमा राम जी कैसे आदमी है? बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा मोदी जी के बारे में क्या सुना है? कुछ नहीं, वो प्रधानमंत्री है। अच्छा क्या लग रहा है लूमा राम जी चुनाव जीत जाएंगे यहाँ पर? हैं गांव में कैसा माहौल है टिकट मिलने के बाद में? बहुत अच्छा है। अच्छा माहौल है। अच्छा अच्छा आज आओ, कई नाम है आप? दीपा राम जी। अच्छा आप कहाँ, ये गाँव रहो? हमारा गाँव बिलांगड़ी है। अच्छा लूमा राम जी के बारे में क्या टिकट मिला है, क्या कुछ सुना आपने? वो खुशी हुई है। खुशी हुई है। पहले भी लूमा राम जी राजनीति में थे? मैं साथ में पढ़े दोनों। अच्छा साथ में पढ़े, आप उनके दोस्त हो? एक स्कूल में ही। एक स्कूल में पढ़े। तो लूमा राम जी कब राजनीति के अंदर उनकी रुचि कब हुई, क्या था वो स्कूल के अंदर में, कैसे होशियार थे, क्या थे, थोड़ा बताओ आप। 30 साल से लगभग राजनीति में। 30 साल से? अच्छा तो यहाँ से क्या मतलब राजनीति में? शुरू से बीजेपी में ही है। बीजेपी में ही। अच्छा स्कूल के अंदर भी जब वो पढ़ाई करते थे तब राजनीति में उनका इंटरेस्ट था क्या? इंटरेस्ट था। तो राजनीति में वो फिर कब आए, उन्होंने आंदोलन वंदोलन भी किए लोगों की समस्याओं को लेकर? खूब काम खूब मदद करते थे। अच्छा कैसे कैसे मतलब कैसे मदद करते थे? यहाँ पर लोग आते थे किसी काम, कोई कोई रगड़ा होता तो निकाल देते थे साथ में जा गई। अच्छा आप लोगों को उम्मीद थी क्या टिकट मिल जाएगा? उम्मीद थी लूमा राम जी को टिकट मिल जाएगा या अचानक ही मिला टिकट? ना उनके अच्छा कार्य से मिलता है। अच्छा तो वो क्या किसान परिवार से है? किसान है। अच्छा पहले क्या काम करते थे? LIC का कामकाज करते थे क्या? LIC का काम करते थे। LIC का कामकाज करते थे। तो गांव के अंदर आपको कितनी इस बात की खुशी है और क्या लग रहा है इस बार चुनाव जीते? हमारे यहाँ प्रधान भी हुए। अच्छा प्रधान भी रहे। अच्छा उन्होंने काम करवाया कुछ? आओ। अच्छा क्या करवाया गांव के अंदर, कोई विकास काम करवाया था, कोई सड़क पानी वानी के लिए काम करवाया था? अच्छा क्या लग रहा है चुनाव जीत जाएंगे? जीतेंगे। जीतेंगे पक्का? साथ है। अच्छा आप साथ हो? मैं ओबीसी कृष्णगंज
उपाध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, बीजेपी का। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। माता जी प्रधान रहा था कि लुमराम जी प्रधान प्रधान है, काम काज करे तो प्रधान मां जी को खूब करावी तो। अच्छा हां, मने कहता विन टाइम मैं जी मन्नू कहता तो उतोरा उठता। उतोरा कतरा उजी उठता अबे जरी मन्नू का आवतो जरी। अच्छा तो सुनारो बन भलो करता। भलो करता सुबह कतरा उजी उठे लुमराम जी सुबह? हमें बता में करी काम बैठा वे गई उठे, काम बैठा मोरा ही उठे। अच्छा काम बैठो जरी जे जेरो काम। हां तो और भलो की दियो मन करो। अच्छा मन करो भलो कर दो। अच्छा एक बात बताओ, नई दई ने नानी दी दो किने काम में ना बना रहो? हां बना रहो काम की दे हाटो। अच्छा की दो। अच्छा आपके जो दोनों बेटे हैं वो क्या कामकाज करते हैं? मैं बढ़िया पढ़ाई की दी हमें हीरो शोरूम में। हां शोरूम बने रही है बेन ने बेटा बड़ो दिन दे ने। अच्छा पढ़ाई करे। अच्छा अच्छा, तो लुमराम जी का राजनीति के अंदर शुरू से था इंटरेस्ट, मतलब शुरू राजनीति करने की इच्छा थी लुमराम जी की? हारू। अच्छा ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, इनके भाई साहब भी। भाई साहब कहाँ पर है इनके? हैं? अच्छा भाई साहब भी है। वो एक और माता जी थी ना इनके साथ में, वो कहाँ गई? उनसे भाभी जी से बात करेंगे। भाभी जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, अरे भैया हम इस वक्त लुमराम जी का जो क्या बोलते हैं इसको बेरे के इस पास है और देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ उनका राजनीतिक जीवन था इन तमाम चीज़ों को लेकर। उनके भाई साहब भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले माता जी बैठी है, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कह रही है। अच्छा माता जी कोई नाम है? अच्छा कोई के लुमराम जी टिकट मिल गयो? हाँ मिल गयो। अच्छा कहीं उन्होंने राजनीति में शुरू इंटरेस्ट तो या क्यों राजनीति खत्म करती है? राजनीति करता तरी पैतरी भरा हुए। अच्छा क्यों क्यों राजनीति क्यों करे, मतलब लोगों की सेवा करना कहीं हुए? सेवा करवा रही। अच्छा प्रधान रहा उन्होंने काम काज कियो? काम काज की दो की दो। हाँ। क्या लगे इन्हें ये बार की लगे? हाँ। जीत जाई चुनाव? जीत जाई चुनाव। अच्छा मोदी जी के बारे में कहीं सुनियो? मोदी जी बारे में तो कोई सुनियो के मोदी जी टिकट दी दो ने भाई जीता भी दो। अच्छा तो आप लोग क्या काम काज करते हो? डोबारू तो जब प्रधान थे तो यहाँ गांव में कुछ काम काज किया? अच्छा लोग आते थे? आता। अच्छा अच्छा क्या लग रहा है अब आपको, कोई लगे जीत जाये? लुबा जी कहीं जाए देवर लागे? नहीं नहीं लुमराम जी जीत जाएंगे? जीत जाए। अच्छा तो अभी आप लोग प्रचार कितने बजे करने गए थे? 10-11 बजे जा जो शहर बजे आवा। अच्छा कौन कौन जाते हो? कौन के कोई गम माइली बेरे बेरो ले आने मैं जाने। अच्छा अच्छा ठीक है थैंक यू। और भी लुमराम जी के बड़े भाई साहब है, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे उनके बारे में। अच्छा क्या नाम है? लालाराम। आप लुमराम जी से छोटे हैं या बड़े हैं? बड़े। हाँ। अच्छा अब आप उनके लाइफ उनकी थोड़ा उनकी बताइए कि वो कैसे पढ़ाई लिखाई उन्होंने कहाँ पर की, कौन सी स्कूल के अंदर की, और उसके बाद में कैसे उनकी राजनीति के अंदर पढ़ाई लिखाई कटकी? लोंगरी। अच्छा पढ़ाई में उनकी रुचि थी? हाँ। पढ़ाई में रुचि थी तो राजनीति में कैसे रुचि हो गई? काम करता ना मतलब पार्टी अपने जी बनावी आपा। हां मेंबर बनाईया। हां बड़ा जी माने मतलब पंचायत पंदोंद्रिया। हां प्रधान में कामकाज किया? प्रधान में पूरा राजस्थान में फर्स्ट आया था को गवर्नमेंट थी इजराइल भेजिया था। अच्छा अच्छा तो आप लोगों का क्या कामकाज है वैसे? खेती का काम है क्या? काम खेती का किस चीज की खेती होती है यहां पर? खेती सियाड़ा में तो होता है गोहू रायडो एरंडी जीरो। अच्छा बरसात में ग्वार बाजरी। अच्छा ज्वार। तो आपने कभी नहीं सोचा राजनीति में आने के लिए? मैं कड़ी नहीं सोची, मैं खेती की थी ना राजनीति में। अच्छा जब वो की जाते कहते की जाते तो लोग आते थे उनके पास में समस्याएं लेकर किस तरीके से? अब तक ना कोई भी समस्या तो आता था बनाती वेते जी को वह हेल्प करता। अच्छा तो इस बार टिकट को लेकर क्या आप लोग था कि टिकट मिल जाएगा, ऐसा क्या था? पहले मांगा था विधानसभा का क्या था? विधानसभा मांगी अबे भगत पार्टी ने दी था। तो बाकी पर तो पार्टी हाथी रिया टिकट दी दो बड़ी हाथी रिया। हाँ
पार्टी है क्या मांगी हम गई टिकट मांगी ने पार्टी दी दो पार्टी दी दो अच्छा कब पता चला आपको कब पता चला टिकट फाइनल भूज पता पड़िया का टिकट मिल को अच्छा अभी कैसा चल रहा चुनाव प्रचार के आप जाते हो प्रचार करने आ जा दिल्ली जा दिल्ली कहां पर जाते हो सब बड़ों गांव में अच्छा कैसा चला क्या लोगों को क्या कहते हो किस तरीके से एक हमने जी अजीत को पब्लिक कह रही है ना वोट दे कारण के बालड़ा है बाकी बड़ों डायरेक्ट कौन मले के बटे सो गेल तो तीजे सो रहा है तो वेब धातु बटे जानो तो कोई लोकन मनु तो जाए एक तो नहीं अटे रोज रे डेली है तो के भाई कोई भी ओपे मले है कोई जनती मन करे रुसी है ना मन दीती अच्छा मोदी जी के बारे में क्या सोचते हो आप मोदी जी है तो देश में भलो करी भलो करी हां राम चंद्र जी मंदिर मोदी जी से भाई नहीं बैठतो तू अच्छा नहीं बैठतो हां कदे साल दी कुटाड़ो आ लियो हां हमने जाते से मोदी जी ताजी वो मंदिर बनाई तो घर में और कोई प्रचार करने जाता है लड़का ही को बाहरी से अच्छा वो बाहरी अच्छा क्या लग रहा है आप जब जाते हो तो किस तरीके का माहौल क्या लग रहा है आपको रेडी लागे नहीं है तो हर चकोने की के भाई पार लग जाई हाँ पार लग जाई पार लग जाएगा हाँ अच्छा ठीक है अच्छा क्या लग रहा है क्या आपको क्या लगता है यहाँ की समस्या क्या है पानी की समस्या है क्या पानी की समस्या सबने वो कीड़ो का बाकी जीता तो पानी ला भी अच्छा पानी कई समस्या पानी आवे को नहीं कहीं नहर को नहीं या कहीं पानी नहर नहीं आवते ना कोई नहीं आवते बतीसा नारा आलू कोशिश के चालू की तो वो कांग्रेस सरकार पांच साल रही वो है पड़ी रही बाकी वो लान पानी हारू बंदोबस्त करी पानी में बंदोबस्त पहले मांग पब्लिक रही आई से पानी समस्या हाँ पानी लावना रे पब्लिक ने की ओड़ो ने पब्लिक पानी हारू के रही है समस्या मोटे आई से लोग तो लाइन में लगते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं आपको लगता है कि मोदी जी ने एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया सही है मोदी जी यार पियो वाला तो घना ही था हम कहता मंद कहता कहना ना इसे टिकट थोड़ी मेरे करोड़ों रुपया देवा वाला है मोदी जी तो एक मुख्यमंत्री बनाई है तो पहली बार एमएलए बनी है तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाई हो घना ना बेटा था बाकी कड़ों दिन निवारो आई हो तो मोदी जी धानना है तो सब दी आगे है अच्छा लगते है बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है अच्छा आपको क्या लगता है कि क्या सपना है लूंबा राम जी का क्या सपना है आपका क्या सपना है क्या काम काज होना चाहिए इस इलाके के अंदर क्या मोटा तो पौनी वाले समस्या पहले तो आई से अच्छा पहले तो आई हाँ इसे बीजेपी से देखो गवर्नमेंट कोई भी वही तो कोशिश करेंगे आप देखिए हमने ये लूमाराम जी का गांव है नाम क्या बताया था भैया वाडेली गांव है तो हमने इनके परिवार के लोगों से बातचीत की लूमाराम जी की पत्नी से बातचीत की उनके जो भाई है उनके गांव के बच्चों से भी बातचीत की बाकी लोग बच्चियां थे उनसे भी बातचीत की इनका सीधे तौर पर कहना है कि दरअसल ये मोदी के राज में ही हो सकता है जब एक आम आदमी के कार्यकर्ता को टिकट मिल जाता है और वो लोकसभा का टिकट लेकर आ जाता है एक आम जो विधायक होता है उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है ये शायद मोदी जी की बीजेपी में ही हो सकता है दिनेश बोरा सिरोही राजस्थान तक